दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की खतरनाक T20 टीम का हुआ ऐलान। जहां टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ियों की होगी वापसी, तो वहीं भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को देगी BCCI आराम। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे आखिरकार T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौन कौन से युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम में मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भारतीय टीम को जुलाई में वेस्ट इंडीज का दौरा करना है। जहाँ इस दौरे पर भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच 2 टेस्ट मुकाबले, 3 वनडे मुकाबले और 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। जहाँ आपको बता दें, इस दौरे पर सबसे पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, तो वहीं उसके बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी और लास्ट में 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। जहाँ आपको बता दें, भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच T20 सीरीज का आगाज 4 अगस्त से होगा, तो वहीं इस सीरीज का लास्ट मुकाबला 13 अगस्त के दिन खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस सीरीज में भारत के कई युवा खिलाड़ियों को BCCI मौका देगी। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा आदि जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। तो वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की टीम इंडिया में वापसी होती नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे, जो लगातार पिछले कुछ समय से टीम इंडिया की T20 कप्तानी कर रहे हैं। वहीं ऐसे में आपको बता दें, ये सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों को BCCI मौका देगी और सीनियर खिलाड़ियों को BCCI आराम देगी। क्योंकि आने वाले समय में भारतीय टीम को ओडी वर्ल्ड कप भी खेलना है, जिसके माध्यम से टीम इंडिया अपनी एक शानदार टीम खड़ी करना चाहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? आप इसकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।